हेलो ट्वेल्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एज यू ऑल नो दैट वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट चैप्टर, राइट? दैट वाज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। एंड फ्रॉम टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड चैप्टर, दैट इज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। लेट अस स्टार्ट इट टुडे। बेसिकली इन स्टार्टिंग अ कार्टून इज गिवन टू यू, ओके, एंड हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कार्टून। So this famous sketch by Shankar appeared on the cover of his collection Don't Spare Me Shankar. The original sketch was drawn in the context of India's China policy, but this cartoon captures the dual role of Congress during the era of one party dominance. Basically जब भी कोई cartoons बनते हैं ना, so cartoon or you can say drawing, it's a method to criticize any of the policy of the government, and the same is done in this same picture. Basically this was the era of one party dominance, and in this particular picture it is showing the India's policy towards China. Along with that, it is also representing dual role of Congress party during the time of one party dominance era. You will be able to understand all of the things. What do you understand by one party dominance and all these things? Okay, so now let us discuss what we are going to study in this particular chapter. The challenge of nation building covered in the last chapter was accompanied by the challenge of instituting democratic policy. अब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी जब हम लोगों ने चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग पढ़ा? हमने उसमें भी पढ़ा था कि इतनी बड़ी कंट्री और उतनी बड़ी कंट्री में हमें डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी थी, एंड वी वर नॉट हैविंग डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस ऑल्सो। So, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। वी हैव डिस्कस्ड इट इन द लास्ट चैप्टर। दस इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन अमंग पॉलिटिकल पार्टी बिगिन इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इसीलिए फिर क्या हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ना क्या होना शुरू हो गया, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होना शुरू हो गया। इन दिस चैप्टर वी लुक एट द फर्स्ट डिकेड ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। यहां पर आप क्या क्या स्टडी करने वाले हो? The establishment of a system of free and fair election. अब free और fair election क्या होते हैं और वो system India में कैसे establish हुआ? Domination of the Congress party in the year immediately after independence. और independence के बाद वाले जो years थे उसमें कैसे Congress का dominance हो गया? How was Congress in that much powerful position that it was able to dominate? Along with that, the emergence of opposition party and their policies. इसके अलावा जो opposition वाली party थी वो कैसे emerge हो रही थी और उनकी क्या policies थी, all these things we will study in this particular chapter. अब देखो, chapter का name है era of one party dominance, है ना? Era मतलब होता है time period, युग बोलते हैं जिसको। एक ऐसा time period जिसमें क्या था, control था, dominance था एक single party का, and that was Congress only. So let us start it. चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। अब देखो क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जो कंट्री के सामने हो रही थी, हमारा पार्टीशन भी हो गया था। उस पार्टीशन के बाद हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, यस दिस इज इंडिया, दिस इज पाकिस्तान। सो नाउ वी आर रीडिंग इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। तो अब क्या था, अब इंडिपेंडेंस के साथ ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी उसके साथ ही कहीं ना कहीं जनरेट हो गई थी। एंड वन पार्टी वन प्रॉब्लम, द मेजर प्रॉब्लम दैट वॉज द बिल्डिंग ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो, है ना? इतनी बड़ी कंट्री में कैसे लार्ज स्केल पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो जाएगी, दैट वाज अ सीरियस इशू। ओके, अब देखो, यू नाउ हैव एन आइडिया ऑफ द डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस इन विच इंडिपेंडेंट इंडिया वाज बोर्न। आपके पास क्या है, आपके पास वो आइडिया है कि कौन सी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस थी, सिचुएशन थी जिनमें हमारे इंडिपेंडेंस ने बर्थ लिया था। आवर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज बोर्न। You have read about the serious challenges of nation building that confronted the country right in the beginning. और आपने first chapter में सारी चीजें पढ़ भी ली कि कौन कौन से challenges थे हमारे सामने। Okay, so you are able to get the idea of that thing also. After that, faced with such serious challenges, leaders in many other countries of the world decided that their country could not afford to have democracy. अब देखो, ये जो प्रॉब्लम चल रही थी ना हमारी कंट्री में, एट दैट टाइम ऑफ चैप्टर रीडिंग ऑफ फर्स्ट चैप्टर ओनली, आई हैव टोल्ड यू दैट लॉट ऑफ द पीपल ऑफ वर्ल्ड, और यू कैन से स्पेशली ब्रिटिशर्स, दे वर सेइंग दैट
इंडिया विल नॉट बी एबल टू सस्टेन विद डेमोक्रेसी. अगर इंडिया ने डेमोक्रेसी एडॉप्ट भी कर ली तो बहुत ज्यादा टाइम तक वो सस्टेन नहीं कर पाएगा. क्यों नहीं सस्टेन कर पाएगा? बिकॉज इंडिया इज अ ह्यूज डाइवर्स कंट्री. और अगर उस डाइवर्सिटी के बेस पे आप देखोगे तो डेमोक्रेसी वर्क कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश हो ही नहीं पाएगा लोगों के बीच में. दे सेड दैट नेशनल यूनिटी वॉज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दैट डेमोक्रेसी विल इंट्रोड्यूस डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. क्योंकि उनका आइडिया कैसा था, क्यों बोल रहे थे वो ऐसा, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इंडिया व्हाट द इंडियन पीपल विल ट्राई टू डू, दे विल ट्राई टू इंश्योर नेशनल यूनिटी, है ना. और एंड नेशनल यूनिटी वॉज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी. हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी, नेशनल यूनिटी. हम लोगों ने पढ़ा है पिछले चैप्टर में कैसे हम लोगों ने प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज किया था. गॉट इट? एंड दैट डेमोक्रेसी विल इंट्रोड्यूस डिफरेंसेज एंड कॉन्फ्लिक्ट. लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, यू विल हैव टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ईच एंड एवरी ग्रुप, टू ईच एंड एवरी कम्युनिटी. तो ऐसे में क्या होगा, अगर आप हर एक को रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हर कोई खुद को रिप्रेजेंटेशन देने की ज्यादा कोशिश करेगा. और इस वजह से क्या होगा, अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला और दूसरे को कम मिला, सो दिस विल क्रिएट डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. इसीलिए बहुत सारे लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उनके माइंड में क्या था, इंडिया विल नॉट बी एबल टू सस्टेन विद डेमोक्रेसी. After that, therefore, many of the countries that gained freedom from colonialism experienced non-democratic rule. और इसीलिए प्रॉब्लम क्या हुई कि बहुत सारी कंट्रीज जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस है, जिन लोगों ने इंडिपेंडेंस गेन की थी, तो उन्होंने क्या किया, they have experienced a non-democratic rule, क्योंकि वो सस्टेन कर ही नहीं पाए थे डेमोक्रेटिक रूल के साथ. इट टुक वेरियस फॉर्म, नॉमिनल डेमोक्रेसी बट इफेक्टिव कंट्रोल बाय वन लीडर. तो अब देखो, अगर आपने डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश, आपने एक सिस्टम तो इंट्रोड्यूस करवा दिया डेमोक्रेसी, बट वी आर नॉट एबल टू गिव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन टू द ग्रुप, सो व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, ये इट विल बी नॉमिनल, यू कैन से इट विल बी नॉमिनल डेमोक्रेसी, है ना. अब देखो, नॉमिनल डेमोक्रेसी, नॉमिनल मतलब क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंडिया इज हैविंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच देर इज टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, वन इज रियल एंड सेकेंड इज नॉमिनल. तो नॉमिनल क्या होता है, नॉमिनल मीन्स होता है जिसके पास सिर्फ नाम की पावर्स होती हैं, एक्चुअल में उन पावर्स को यूटिलाइज कोई और करता है. सो अब देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड एंड प्राइम मिनिस्टर इज रियल हेड. अब इसकी वजह से अगर हम लोग ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं तो अब देखो क्या हो सकता था, नॉमिनल डेमोक्रेसी और क्या होगा, इफेक्टिव कंट्रोल बाय वन लीडर, यानी कहने को तो डेमोक्रेसी होगी बट ये सिस्टम कैसा होगा जिसमें सिर्फ एक लीडर होगा और उसी का इफेक्टिव कंट्रोल होगा, वन पार्टी रूल और डायरेक्ट आर्मी रूल, या फिर एक पार्टी का रूल होगा या फिर आर्मी रूल कर लेंगे जैसे पाकिस्तान की पोजीशन होती है. नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स ऑलवेज स्टार्टेड विद द प्रॉमिस ऑफ रीस्टोरिंग डेमोक्रेसी वेरी सून. और इस ऐसी पोजीशन का ना बेनिफिट लेके हमेशा क्या होता है, हमेशा नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स मतलब रूल पावर में आ जाते हैं. And the promise which is done by them, that is, they will say that we will restore democracy very soon. But once they establish themselves, it is very difficult to disclose them. Lekin agar ek baar aise non-democratic, agar koi aapki parties mein establish ho jate hain, government rule agar establish kar lete hain, to it is very tough to remove them. Yani ke ek baar agar wo kahin na kahin establish ho gaye na, to fir usko easily aap remove kar hi nahi sakte. Got it? The conditions in India were not very different. और देखो अब हमारी कंडीशन में ज्यादा डिफरेंट नहीं थी. क्यों? क्योंकि इंडिया वॉज आर डाइवर्स कंट्री, अभी भी है. और अब बट द लीडर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइडेड टू टेक द मोर डिफिकल्ट पाथ. बट हमने क्या सोचा कि हम सबसे डिफिकल्ट वाला पाथ ही लेंगे, राइट? एंड अदर पाथ वुड हैव बीन सरप्राइजिंग. Any path, other path would have been surprising. For our freedom struggle was deeply committed to the idea of democracy. अब वो जो हमने struggle का path लेना था वो क्या था? Democracy था. क्यों? क्योंकि at the time of freedom struggle, the promise which we have done to the common people of the country, that was that we will establish democracy after the independence only. हमारे दिमाग में यही था कि जैसे हम independent हो जाएंगे तो हमारे यहाँ democracy establish होगी. Our leaders were conscious of the critical role of politics in any democracy. They did not see politics as a problem. They saw it as a way of solving the problems. और हमारे leaders ने देखो democracy वाला difficult path तो चुन लिया, but उन्होंने देखो क्या
क्या सिस्टम था जो लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया कि उन लोगों ने ना पॉलिटिक्स को एक प्रॉब्लम की तरह ट्रीट नहीं किया, बल्कि किसके तरह ट्रीट किया, दे सो इट एज अ वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड है। यानी अगर हमारी कंट्री में माइनॉरिटीज लोग हैं और अगर उनके माइंड में इनसिक्योरिटी हो रही है, वो कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, तो हम डेमोक्रेसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू टैकल ऑल दोज इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। After that, every society needs to decide how it will govern and regulate itself. अब हर एक सोसाइटी के पास पावर होगी कि ये खुद को गवर्न और रेगुलेट कैसे करेगी। There are always different policies, policy alternative to choose from. हमारे पास हमेशा क्या होता है, different policy alternatives होते हैं जिसमें से हमें चूज करना होता है। There are different groups with different and conflicting aspirations. और बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिनकी अलग अलग एस्पिरेशंस होती हैं, एंड दोज एस्पिरेशन कैन हैव कॉन्फ्लिक्ट्स आल्सो, राइट। हाउ डू वी रिजोल्व दीज डिफरेंसेस? अब क्वेश्चन ये है, जब इतनी सारी डाइवर्सिटी थी कॉन्फ्लिक्ट से, इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट एस्पिरेशंस थी, तो हमने उन एस्पिरेशंस को, उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे किया? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, और इन सारे के सारे क्वेश्चन का वन वर्ड आंसर है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। कि अगर आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एस्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल हो जाते हो, यू विल बी एबल टू टैकल ऑल ऑफ योर इश्यूज। व्हाइल कंपटीशन एंड पावर आर द टू मोस्ट विजिबल थिंग अबाउट पॉलिटिक्स, द पर्पस, और देखो हमेशा क्या होता है, कंपटीशन एंड पावर, ये हमेशा ना पॉलिटिक्स में आपको विजिबल दिखते हैं, और ये होना रिक्वायर्ड भी है, कॉम्पिटिशन और पावर, क्योंकि अगर कॉम्पिटिशन नहीं होगा, पीपल विल नॉट बी एबल टू गेट बेस्ट। और पावर, पावर क्या होता है, बोलते हैं ना पॉलिटिक्स इज अप गेम ऑफ पावर, तो पावर भी होगी होगी जो आपको हमेशा विजिबल होती है। द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इज एंड शुड बी डिसाइडिंग एंड परस्यूइंग पब्लिक इंटरेस्ट, बट बेसिकली पॉलिटिकल एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्पस क्या होता है, दैट इज टू डिसाइड एंड परस्यू पब्लिक इंटरेस्ट। दिस इज द रूट आर लीडर्स डिसाइडेड टू टेक, और यही वो रूट था जो हमारे लीडर्स ने कहीं ना कहीं चूज कर लिया, and it was a very difficult decision according to the situation. Now सोच के, अभी सोचो आप लोग कि पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, और उतनी सारी प्रॉब्लम्स में से हम लोगों को क्या करना था, इतनी डाइवर्स कंट्री के लिए हम एक डेमोक्रेसी सिस्टम अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, क्योंकि पहले से लोगों के माइंड में इनसिक्योरिटीज हैं, और अगर आप इतनी वास्ट कंट्री में डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट भी करवाने जा रहे हो, तो आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चंस होंगे, किसको वोटिंग राइट देना है, किसको वोटिंग राइट नहीं देना है, वो सारी चीजें भी, और उन सारी प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल करने वाले हैं। सो वी कैन से एट दैट टाइम द पाथ विच वी हैव अडॉप्टेड दैट वॉज इट सेल्फ अ वेरी टफ डिसीजन, गॉट इट। यहाँ पे ना आपको साइड में क्या गिवन है कि हमारी कंट्री की जो सिचुएशन है ना, उसमें क्या क्या होता है, बेसिकली हीरो वर्शिप प्लेज एन इंपॉर्टेंट एंड इट्स पॉलिटिक्स अनइक्वल्ड इन मैग्नीट्यूड बाय द पार्ट इट प्लेज इन द पॉलिटिक्स ऑफ एनी अदर कंट्री। मतलब हमारी कंट्री में क्या होती है, हीरो की वर्शिप होती है, जैसे कोई नेशनल लीडर हम लोगों ने बना दिया ना, तो बेसिकली उसकी वर्शिप हम लोग ज्यादा करते हैं, ये दूसरी कंट्रीज में बेसिकली नहीं होती है। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हीरो वर्शिप इज अ श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अगर ऐसा सिस्टम होता है ना, ये कहीं ना कहीं लीड करेगा एक टाइम में डिग्रेडेशन को, और या फिर इवेंचुअली मतलब लास्ट में डिक्टेटरशिप को कहीं ना कहीं इंश्योर कर देता है। गॉट इट। अब देखो यहां हम लोग आ चुके हैं। अब देखो लास्ट ईयर यू स्टडी हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड, आपने पढ़ा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्राफ्ट हुआ। You would remember that our constitution was adopted 26 November 1949 and signed on 24th of Jan 1950 and it came into effect on 26 January 1950. अब देखो हमने क्या किया, आप लोगों को सबको पता होगा because you have done 11th class, आप सभी को पता है that Indian constitution it was started, or you can say the framing of Indian constitution was started in December 1946. 9 December 1946, that was the first date, जब हमारी first meeting हुई थी, right? उसके बाद हमने क्या किया, 26 November 1949 को क्या कर दिया, constitution, जो कहीं ना कहीं completion का task था, वो हमने complete कर दिया, और इसको बनने में जो हमारा time period लगा था, that was 2 years, 11 months and 18 days, right? हमने इसके ऊपर जब sign किए, तो ये थी 24th of Jan 1950, और ये effect में आया था 26th of Jan 1950,
देखो बनके रेडी हो गए 26 नवंबर 1949। नाउ द क्वेश्चन शुड बी इन योर माइंड कि अगर बनके 26 नवंबर को रेडी हुआ तो हमने 2 मंथ्स का वेट क्यों किया, हमने 26 नवंबर को ही क्यों इसको इंप्लीमेंट नहीं कर दिया। सो लेट मी एक्सप्लेन यू द रीजन बिहाइंड इट। जो 26 जैन 1930 थी उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू हु बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री लेटर आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उन्होंने ना एट द बैंक ऑफ रावी रिवर ही सेड दैट दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। मतलब 1930 को अंडर द ब्रिटिश रूल ओनली वी वर नॉट इंडिपेंडेंट, बट ब्रिटिश रूल के अंडर उन्होंने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था और बोला था कि हम खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते एक टाइप से। तो उस डे जब हम लोगों ने कहीं ना कहीं ब्रिटिश सुपरमेसी को डायरेक्टली कंसीडर करने से मना किया, फॉरबिड किया, तो उस डे को हमारी हिस्ट्री में एक मेमोरेबल डे की फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। और इसीलिए वी वेटेड फॉर 2 मंथ्स। हालांकि जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे वो 26 नवंबर से ही इंप्लीमेंट हो गए थे, बट जो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन था दैट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जैन 1950। राइट, मतलब उस डे को मेमोरेबल बनाने के लिए हमने इसको 26 जैन 1950 को इंप्लीमेंट किया था। होप टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एट द टाइम द कंट्री वॉज बींग रूल्ड बाय एन अंतरिम गवर्नमेंट। और इस टाइम पे क्या था, जब 1950 में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, इंप्लीमेंट किया, उस टाइम पे अंतरिम गवर्नमेंट वर्क कर रही थी। अब देखो अंतरिम गवर्नमेंट बेसिकली क्या थी, अंतरिम गवर्नमेंट बेसिकली वो गवर्नमेंट थी जो इलेक्टेड नहीं थी कहीं ना कहीं। राइट, क्योंकि आप लोगों ने जब 1946 का टाइम पीरियड पढ़ा था तो उसमें क्या था कि जब तक कैबिनेट मिशन वगैरह जब आए थे तो उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का वर्क कहीं ना कहीं इंडियंस को हैंड ओवर किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी, ये इंडिया की लॉ फॉर्मेशन बॉडी की फॉर्म में भी वर्क करेगी। ओके, सो इट वॉज नाउ नेसेसरी टू इंस्टॉल द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। अब देखो यहां से कहीं ना कहीं हमारी एग्जामिनेशन शुरू हो जाती है। क्यों? बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम एंड नाउ इट वॉज वेरी नेसेसरी ऑल्सो टू इंस्टॉल द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। क्योंकि अगर आप लोगों ने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी दैट इंडिया विल बी अ डेमोक्रेसी, तो इट इज रिक्वायर्ड कि वहां पे इलेक्शंस भी जरूरी है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड लेड डाउन द रूल्स, नाउ द मशीन हैड टू बी पुट इन प्लेस। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने तो डिजाइन कर दिया कि भाई हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आएंगे, बट प्रॉब्लम क्या थी, अब वो मशीन आपको पुट करनी थी कि आप कैसे कैसे इलेक्शंस कराने वाले हो। राइट, इनिशियली इट वॉज थॉट दैट दिस वॉज ओनली अ मैटर ऑफ अ फ्यू मंथ्स। पहले तो क्या लगा कि भाई ना ये छोटा सा टास्क है, जल्दी से हम लोग क्या करा लेंगे, इलेक्शंस करवा लेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन जनवरी 1950। अब इस डेट को भी आप लोग याद रखोगे कि जो इलेक्शन कमीशन था दैट वॉज सेटअप इन जनवरी 1950 एंड सुकुमार सेन बिकेम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। दिस ऑल्सो यू कैन आस्क एमसीक्यू, कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस लाइन ऑल्सो। द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर एक्सपेक्टेड सम टाइम इन 1950 इटसेल्फ। और हम लोगों ने क्या सोचा था, हम लोगों ने सोचा था दैट इन 1950 ओनली वी विल बी एबल टू कंडक्ट आवर फर्स्ट इलेक्शन। गॉट इट? अब देखो यहाँ पे एक राइट साइड में कार्टून गिवन है, व्हाट सो स्पेशल अबाउट बीइंग अ डेमोक्रेसी, सूनर और लेटर एवरी कंट्री हैज बिकम अ डेमोक्रेसी, इज़न्ट इट? आपको भी ऐसे लगता है क्या कि डेमोक्रेसी बनने में इतना स्पेशल क्या है, है ना? और सूनर और लेटर हर कंट्री खुद को डेमोक्रेसी बताई देती है, ऐसा ही है। सो ऐसा नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी बनना अपने आप में बड़ा चैलेंज था, और ऐसी कंट्री के लिए जो इतनी ज्यादा डाइवर्स हो। Although lot of the country they say that yes we are democratic, but in actually they are not. आप चाइना का एग्जाम्पल ले सकते हो जो बोलते हैं कि हम डेमोक्रेटिक है, बट वहां पे रूल है सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का। आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले सकते हो जहां पे बोलते हैं हम डेमोक्रेटिक है, बट वहां पे क्या है, मिलिट्री रूल है। गोट इट? तो मतलब डेमोक्रेसी होने में और उसको कहीं ना कहीं प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने में देर इज अ ह्यूज डिफरेंस। राइट, सो अब देखो इलेक्शन के बारे में हमने क्या सोचा कि 1950 विल बी द ईयर इन विच वी विल बी एबल टू हेल्ड आवर इलेक्शंस, बट द इलेक्शन कमीशन डिस्कवर्ड दैट इट वाज नॉट गोइंग टू बी इजी टू होल्ड अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन अ कंट्री ऑफ इंडिया साइज। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या फाइंड आउट किया दैट इन अ कंट्री विच इज बिग लाइक इंडिया इट वॉज नॉट ईजी टू कंटेस्ट इलेक्शन। और अगर आपने इलेक्शन कंडक्ट करा भी दिए सो इट्स नॉट पॉसिबल दैट इलेक्शन विल बी फ्री एंड फेयर। अब देखो फ्री क्या होता है, फ्री होता है पीपल आर फ्री टू वोट, फ्री इलेक्शंस, यानी उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर इंसान को वोट दोगे, आप उस पर्टिकुलर पार्टी को वोट दोगे। और फेयर, इट इज रिलेटेड टू द प्रोसेस कि आपकी जो प्रोसेस है वो कैसी है,
क्या बूथ कैप्चरिंग हो रही है, क्या वहां पे लोग कंप्लीटली फेयर मैनर से वोट डाल पा रहे हैं, क्या वोट की काउंटिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट, कहीं मसल पावर का यूज तो नहीं हो रहा है। सो ये सारी चीजें हमें इंश्योर करनी थी एंड इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन कंट्री लाइक इंडिया। होल्डिंग एन इलेक्शन रिक्वायर्ड डिलिमिटेशन ऑफ ड्रॉइंग आउट बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब देखो, अब सबसे पहला बार क्या होता है, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वी विल हैव टू डिवाइड आवर कंट्री इनटू इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेसिकली क्या होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी इज अ दैट पॉलिटिकल एरिया फ्रॉम वेयर वन एमपी और एमएलए इज इलेक्टेड। अगर आप मान लिया नेशनल लेवल की बात कर रहे हो, तो वो एरिया जहां से हमें एक एमपी इलेक्ट करना था, उस एरिया को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। उसके बाद इट ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल्स ऑन द लिस्ट ऑफ ऑल सिटीजंस एलिजिबल टू वोट। अब आपको इलेक्टोरल रोल बनानी थी, और इलेक्टोरल रोल का मतलब क्या होता है, उस जिसमें सारे के सारे एलिजिबल वोटर्स के नेम इंक्लूड होते हैं, राइट। तो अब सबसे पहले ये फाइंड आउट करना कि कितने लोगों की एज 18 अबव है, उन सभी के नेम को इंक्लूड करना, राइट। बोथ दीज टास्क टुक अ लॉट ऑफ टाइम, और इसी में बहुत सारा टाइम चला गया। एक तो आपको पूरी की पूरी कंट्रीज की दोबारा से बाउंड्रीज डिजाइन करनी थी, है ना, और उन बाउंड्रीज के बाद हमें क्या करना था, हमें ये चेक करना था कि हम क्या करेंगे, हम लोगों को इंक्लूड कैसे करेंगे, देयर नेम्स इन द वोटर लिस्ट। सो व्हेन द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द रोल वाज पब्लिश्ड, इट वाज डिस्कवर्ड दैट द नेम्स ऑफ नियरली 40 लाख वुमेन वर नॉट रिकॉर्डेड इन द लिस्ट। अब देखो, हमने क्या सोचा था कि वी विल बी एबल टू हेल्ड आवर इलेक्शंस इन 1950 ओनली, बट जैसे हम लोगों ने फर्स्ट इलेक्टोरल रोल कहीं ना कहीं पब्लिश किया, सो क्या था, 40 लाख वुमेन्स वर नॉट रिकॉर्डेड। अब वुमेन्स की कंडीशन क्या थी कि 40 लाख वुमेन तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, राइट, दे वर सिंपली लिस्टेड। कैसे लिस्ट किया उन लोगों, उन फीमेल्स को, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, कि मतलब क्या आइडेंटिटी थी उनकी, कि ये इसकी वाइफ है, ये इसकी डॉटर है। फीमेल्स वर नॉट हैविंग देयर ओन आइडेंटिटी, सो द इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज एंट्रीज एंड ऑर्डर आर रिविजन और इफ पॉसिबल एंड डिलीशन ऑफ इफ नेसेसरी। और क्या किया कि अब अगर देखो, आप बोल रहे हो कि उसकी वाइफ है, ये उसकी बेटी है, और आपने उसको वोटिंग के लिए एलिजिबल मान लिया, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ओनली, एंड इट वॉज नॉट अ फेयर मैनर ऑल्सो टू गिव एनी पर्सन राइट टू गिव वोट। दैट्स वाई इलेक्शन कमीशन ऑफ आर कंट्री रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज एंट्रीज, और क्या बोला कि आप इसको दोबारा चेक करो। गॉट इट। प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज अ मैमथ एक्सरसाइज, ये बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज थी। नो इलेक्शन ऑन दिस स्केल हैड एवर बीन कंडक्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर, और इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े लार्ज इलेक्शन आज से पहले वर्ल्ड में कभी हुए नहीं थे। क्यों नहीं हुए थे? एट दैट टाइम देयर वर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स। उस टाइम पे भी हमारे यहां 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे। अब उन 17 करोड़ के नेम इलेक्टोरल रोल में लेके आना, वोटर लिस्ट में लेके आना, सबके नेम के साथ कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी हम लोगों को गिवन, मतलब अश्योर करनी थी। तो ये अपने आप में क्या था, एक बहुत बड़ा डेंजरस टास्क था, डिफिकल्ट टास्क था। और ये जो 17 करोड़ लोग थे, हु हैड टू इलेक्ट अबाउट 3,200 MLAs and 489 members of Lok Sabha. इनको इतने लोग इलेक्ट करने थे, राइट? ओनली 15% ऑफ दिस एलिजिबल वोटर्स वर लिटरेट, और इनमें से भी क्या था, जो 17 करोड़ थे उसमें से सिर्फ आपके 15% लोग क्या थे, लिटरेट थे, एजुकेटेड थे। Therefore, the election commission had to think of some special method of voting. And that's why it was not easy for us to make or to take that kind of method which could be used by educated people only. That's why we will have to find out that method which can be used by any person, whether he or she is educated or not. Right? So the election commission trained over 3 lakh officer and polling staff to conduct the election. Ab shuru hua hamari real exam. इसलिए इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, 3 लाख ऑफिसर को ट्रेन किया, पोलिंग स्टाफ के लोगों को ट्रेन किया कि आपको वोटिंग करानी कैसे है। मतलब जब देखो, जब ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो सोचो कॉमन पीपल की क्या सिचुएशन थी, और हमने सभी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया हुआ था। सो थिंक अपॉन द सिचुएशन, हाउ क्रिटिकल इट वॉज, राइट।
इट वॉज नॉट जस्ट द साइज ऑफ कंट्री एंड द इलेक्टोरेट दैट मेड दिस इलेक्शन इन अनयूजुअल. द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज ऑल्सो द फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन अ पुअर एंड इलिटरेट कंट्री. अब देखो सिर्फ इसलिए प्रॉब्लम नहीं थी दैट इंडिया वॉज हैविंग अ वेरी बिग साइज वेरी बिग पॉपुलेशन, बट द प्रॉब्लम वॉज दैट द डेमोक्रेसी वॉज द टेस्ट ऑफ पुअर एंड इलिटरेट कंट्री. क्योंकि हमारी कंट्री रिच भी नहीं थी, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी और उसके अलावा इलिटरेट पीपल थे. सो टिल देन डेमोक्रेसी हैड एग्जिस्टेड ओनली इन द प्रॉस्पीरियस कंट्री मेनली इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. और क्या हो रहा था उस टाइम तक वर्ल्ड में, डेमोक्रेसी कहां एग्जिस्ट कर रही थी, या तो यूरोप में या फिर नॉर्थ अमेरिका में, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज थी कहीं ना कहीं, वेयर नियरली एवरीवेयर वॉज लिटरेट, जहां पर हर कोई एजुकेटेड था. बाय दैट टाइम मेनी कंट्रीज इन यूरोप हैड नॉट गिवन वोटिंग राइट्स टू ऑल वुमेन. और वहां पर देखो वहां पर भी क्या प्रॉब्लम हो रही थी, सारी की सारी कंट्रीज में फीमेल को वोटिंग राइट नहीं थी. आप लोगों को पता होगा जो कंट्रीज खुद को बहुत ज्यादा डेवलप समझते हैं, यूएसए जैसी, इंग्लैंड जैसी, वहां फीमेल्स ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए हैं वोटिंग राइट गेन करने के लिए. 1920 में अमेरिकन फीमेल्स को जाके मिलता है और 1928 में ब्रिटिश वुमेन को जाके वोटिंग राइट मिलता है. तो और हमने क्या किया इन दिस कंटेक्स्ट, इंडियाज एक्सपेरिमेंट विद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अपीयर्ड वेरी वेरी बोल्ड एंड रिस्की. ऐसे में हमने जो डिसीजन ले लिया वो अपने आप में बहुत ज्यादा बोल्ड था और रिस्की भी था. एंड इंडियन एडिटर कॉल्ड इट द बिगेस्ट गैम्बल इन द हिस्ट्री. और हमने एक इंडियन हिस्ट्री एडिटर ने क्या बोला इसको, बिगेस्ट गैम्बल. गैम्बल क्या होता है, जुआ. यानी हमने अपनी हिस्ट्री में इससे बड़ा जुआ कभी खेला ही नहीं. ऑर्गेनाइजर अ मैगजीन रॉट द जवाहरलाल नेहरू वुड लीव टू कॉन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया. और कईयों ने क्या बोला कि हमारी कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होगा, उनको रेडी रहना चाहिए कि हमारी डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फेल ही होने वाला है. अ ब्रिटिश मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज क्लेम्ड दैट अ फ्यूचर एंड मोर एनलाइटन एज विल व्यू विद एस्टॉन्शमेंट द एब्जर्ड फेयर्स ऑफ रिकॉर्डिंग द वोट्स ऑफ मिलियन ऑफ इलिटरेट पीपल. यानी ये क्या होगा, एक ऐसा फ्यूचर है, एक ऐसी एज, एनलाइटन एज होगी आपकी, जो क्या देखोगे आप कि जहां पर ना रिकॉर्ड होगा, क्या रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्डिंग होगी किसकी, वोट्स की. और वो लोग कैसे वोट्स, कैसे पीपल होंगे, मिलियंस ऑफ द पीपल होंगे और वो कैसे होने वाले, इलिटरेट होंगे. मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है, क्रिटिसिज्म हो रही है हमारी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की. गॉट इट. सो आई थिंक टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस थिंग व्हाट वाज द मेथड ऑफ इलेक्शन, दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, आई थिंक दैट टिल नाउ situation is completely clear to all of you that the biggest test of India that was the establishment of democracy and basically universal adult franchise. So how did we tackle it, how did we overcome it, these all things we are going to discuss in next video. Hope everything is clear to all of you. If you are having any doubt and query, feel free to ask your questions in comment section. Next part we will do in next video. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.